साहब और रंधावा साहब आए, जयपुर को ये समझ लेना चाहिए, जयपुर में जिन अशोक गहलोत जी ने सेंट्रल पार्क दिया, घाट की गुणी की टनल दी, मैं कह रहा हूँ सेंट्रल पार्क, घाट की गुणी की टनल और मानसरोवर का नया सेंट्रल पार्क, ये तीन, और तीन महीने में एक भी टेंडर किया हो भजन लाल जी ने, ये हमारे मुख्यमंत्री रहे, सारे टेंडर इनके, सारे काम इनके राजस्थान में और जयपुर में, यदि एक भी टेंडर उन्होंने नया कर दिया हो तीन महीने में, तो मैं यहां से आज वापस ले लूंगा नाम। और एक और बता दे भजन लाल जी, 550 रुपए में गहलोत साहब ने सिलेंडर दिया राजस्थान में आपने, 70 लाख परिवारों को, मैं खाद्य मंत्री था आपका सर रंधावा साहब, 450 का सिलेंडर नहीं मिल रहा सीएम साहब, अभी भी आप हमारे सीएम से 500 में ही मिल रहा है, 50 रुपए की जो सब्सिडी इन्होंने कहा था कि हर महिला को हम 500 रुपए में सिलेंडर, 450 में हर महिला को सिलेंडर देंगे, जो गहलोत साहब 500 में दे रहे थे, आज तक 1 रुपया भी सब्सिडी ट्रांसफर नहीं हुई है, 500 में गहलोत साहब का सिलेंडर ही जनता को मिल रहा है, इनका सिलेंडर चालू नहीं हुआ है इनका, क्योंकि आपने अभी ठीक कहा हवाई जहाज टेक ऑफ ही नहीं हुआ, क्योंकि इनका तो तब चलता है जब पर्ची वहां से आती है दिल्ली से, ये काम हमारा है, सेवा हमारी है। और मैं लोगों से कहूंगा, हमारी हत्या कराओ दिन बीजेपी वालों से मत कराओ, घर बुला के जहर दे देना, लेकिन यदि आशीर्वाद दे दिया तो मेरी गारंटी है जान दे देंगे, लेकिन लोकसभा में जैसा गहलोत साहब और रंधावा साहब ने कहा, जयपुर गूंजेगा, मर जाएंगे लेकिन जयपुर के सम्मान के लिए, राजस्थान के लिए मर जाएंगे, जनता के लिए खून बहाएंगे, लेकिन झूठ फरेब और धोखा नहीं करेंगे बीजेपी की तरह। और आज कह रहा हूं, पहले हाउस टैक्स खत्म वाले मुख्यमंत्री खड़े हैं जिन्होंने हाउस टैक्स खत्म किया था बकाया लोगों के 5-5 लाख रुपए, आज कह रहा हूं अब की बार यूडी टैक्स जयपुर से खत्म, हाउस टैक्स के लिए मैं लड़ा, सीएम साहब ने हाउस टैक्स खत्म कर दिया जब महेश जोशी लड़े उस वक्त, आप याद करो। अब यूडी टैक्स के लिए कह रहा हूं कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स के नाम पर इंस्पेक्टर राज चल रहा है, आपने वेंडर्स पॉलिसी बनाई थी जयपुर में पूरे राजस्थान में, तो गरीब आदमी फुटपाथ पर थड़ी लगाता था, दुकान लगाता था, ठेला लगाता था, अभी उन्होंने पूरे जयपुर को उजाड़ दिया, 2 लाख बेरोजगार कर दिए सीएम साहब, तो वो वेंडर्स पॉलिसी आपकी ये मान नहीं रहे, वो लागू करवा देंगे, गरीब को उजड़ने नहीं देंगे, मरकर भी जयपुर के लिए जान दे देंगे। मैं जानता हूं बीजेपी की, तो हमने हमारी ताकत इकट्ठी करके इन नेताओं के आदेश पर मैं चुनाव में उतरा हूं, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि हम घायल हुए हैं, मरे नहीं है, और जनता का आशीर्वाद रहा तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए, लेकिन मैं गहलोत साहब और रंधावा साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूं, और ये आप ही हमें बचा सकते हो, जयपुर के लोग बचा लिया तो हमारी जान हाजिर, आप देखना मरकर भी निभाएंगे। देखिए सब हमारे परिवार, सब हमारे परिवार के लोग हैं, और हमारे परिवार के लोगों को साथ में रखना हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा, उन्होंने खुद ने विड्रॉ कर लिया, मैं खुद वो आदमी था जो उनके लिए आगे बढ़कर ये सारे हमारे एमएलए खड़े, वो लॉबी जयपुर में नहीं है, वो लॉबी जिसने वो जो उनके यहाँ जो ये मामला चला, देखो सोशल मीडिया में मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद चलाता नहीं हूँ, मेरे जो सोशल मीडिया है वो मेरा भांजा है, वो देखता है, मैं तो फोन पे लिखा देता हूँ, आप मेरे से बुलवा लो कर लो, पर मन ज्यादा है सोशल मीडिया चलाना ज्यादा आवे को नहीं, तो मैं आ कह सकूं कि मैं जिशो भी हूं, मैंने कई बार लोग अजमाया है, मुझे लोगों ने जांचा परखा है, मैं आपका बेटा हूं, आज मुझे जयपुर के लोगों की जरूरत है क्योंकि मैं अकेला हूं, और मेरी मदद कर देंगे तो मैं जीत पाऊंगा, नहीं तो नहीं जीत पाऊंगा, बीजेपी ने कह दिया हम तो सुनिश्चित जीत रहे हैं, लेकिन लोग मेरा साथ दे देंगे तो मैं इतना कह सकता हूं मरकर भी निभाऊंगा। देखिए आप मुझे ये बताइए, जयपुर में हमारे तो पुरानी हार का दर्द ही नहीं मिटा अभी तक, उसी दर्द में उसी घायल अवस्था से नहीं निकले, पार्टी का आदेश है युद्ध लड़ने से प्रताप मना नहीं कर सकता, प्रताप मर सकता है लेकिन युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, ये राजस्थान की परंपरा है, खतरनाक तो क्या हो जाएगा, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो ही पार पड़ेगी, ऐसे नहीं पड़ेगी पार।